चलिए बच्चे ध्यान से देखेंगे, लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या डिस्कस किया था, एक्सेप्टेंस के बारे सारे रूल्स अपन ने पढ़े थे। आज का जो मेरा आपके साथ डिस्कशन होगा दैट वुड बी ऑन टिकट्स। किसके ऊपर? टिकट्स के ऊपर। सर ये टिकट्स क्या हैं? चलिए बच्चों, डू वी ऑल बाय टिकट्स? फॉर एग्जाम्पल मूवी के टिकट्स हम बाय करते हैं, बस के टिकट्स हम बाय करते हैं, ये सुनो बच्चों। बच्चों क्या आपको नहीं लगता है ये जो भी टिकट्स हैं, जब हम ये टिकट्स सारी टिकट्स बाय करते हैं, सो वी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन वी बाय दोस टिकट्स डू वी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? जब आप बस में चढ़ गए हो, मतलब आपने बस का ऑफर क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपको टिकट मिल गई। टिकट के पीछे लिखा हुआ है कि बस में थूकना मना है, अगर आपने थूका तो 500 रुपए का फाइन है। आपने टिकट तो क्या कर ली है, एक्सेप्ट, और आपने थूक दिया गलती से, ठीक है। नॉट टेल मी क्या बस वाला फाइन चार्ज कर सकता है, नहीं चार्ज कर सकता। लेकिन आप बोलोगे कि हमको तो आपने बताया नहीं, तो बस वाला क्या बोलेगा, बस की टिकट के पीछे लिखा हुआ है ये, आपने बोला, आपने थोड़ी ना बोला पढ़ो। आप क्या बोलोगे, हमने टिकट ली बट हमने पढ़ा नहीं क्योंकि आपने बोला नहीं। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, लिसन, आपने जैसे आई कैन अकेडमी में एडमिशन लिया फॉर एग्जांपल, अब आपके पास क्या है, यू हैव द रिसीट, यू हैव द रिसीट। अब जब वो आप रिसीट देखें तो उस रिसीट के पीछे क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है रिसीट में बच्चों की, फीस एक बार आपने पे किया तो वो रिफंड नहीं होगा, एंड सो एन सो ऑन। आपने एडमिशन ले लिया, हमने आपको वो रसीद दे दी। कैन आई से द मोमेंट वी गेव यू दैट रिसीट, जैसे हमने आपको क्या दी, वो रिसीट दी, इसका मतलब क्या हो गया, रिसीट की सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपने क्या कर ली, अप्रूव कर ली, एक्सेप्ट कर ली। सो जब कभी भी बच्चों आप क्या करें, जब कभी भी आप कोई भी रिसीट खरीदें, वेन एवर यू बाय एनी रिसीट या टिकट या कूपन, कुछ भी आप खरीदें, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर वन, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड नंबर टू, मैं ये मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि आपने वो टिकट्स की सारी कंडीशन क्या की है, एक्सेप्ट की, ठीक है। चलिए देखते हैं, इफ अ पर्सन, purchases any ticket or receipt then it is assumed that he has accepted all the conditions as mentioned in the ticket or receipt. नेक्स्ट हेडिंग वाली, मुझे ध्यान से सर, जो मेरा अगला डिस्कशन आपके साथ होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन। सबसे पहली चीज बच्चों, क्या टेलीफोन पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं? कैन द कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस ऑन टेलीफोन? कैसे? ऑफर एक्सेप्टेंस बच्चों, मैंने आपको ऑफर दिया फोन पे कि डिम्पल वुड यू लाइक टू बाय माई पेन फॉर ₹10। डिम्पल ने वहां से क्या किया, ओ या यस सर आई वुड लाइक टू बाय, मैंने ऑफर किया, इन्होंने क्या किया, मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया। और ये जो भी हुआ कॉन्वर्सेशन वो कब हुआ, कब हुआ, व्हेन वी वर टॉकिंग ऑन फोन, जब हम किसी पर बात करते फोन पे बात करते। तो बच्चों एक चीज याद रखिए, टेलीफोन पे भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, शर्त एक ही है, क्या दोनों पार्टीज के पास
एक दूसरे की क्या पहुंचे, आवाज पहुंचे. मेरा ऑफर डिंपल क्लियरली सुने और डिंपल की एक्सेप्टेंस जो है वो मैं क्या करूं, वो मैं क्लियरली सुनूं, तो हम दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कैसे, ओवर टेलीफोन. सो लिखिए बच्चों, व्हेन द ऑफरिंग listens the offer of, जब ऑफरिंग सुन ले, किसका ऑफर सुन ले, ऑफरर, एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफरिंग इज क्लियरली हर्ड. When the acceptance of the offering is clearly heard. By whom, bacho? By the offerer. In this case, the contract is created over telephone. कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड ओवर व्हाट बेटा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओवर टेलीफोन क्रिएट होता है. ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज व्हाट बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ओवर पोस्ट या कॉन्ट्रैक्ट बाय पोस्ट. बच्चों ये थोड़ा सा पहला प्रोविजन मैं कहूंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जहां पर आपका दिमाग थोड़ा सा उड़ेगा. ठीक है, चलिए ध्यान सुनिएगा. सबसे पहले बच्चों पोस्ट में प्रॉब्लम क्या है ना, पोस्ट में प्रॉब्लम क्या है कि ऑफरर के लिए, किसके लिए बच्चों, और ऑफरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट सेम डे क्रिएट नहीं होगा. ध्यान से रखना बच्चों, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता ही है. ऑफरर के लिए और ऑफरी के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट किसके थ्रू हो, फोन के थ्रू हो या सॉरी पोस्ट के थ्रू हो, तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट जो है सेम डे क्रिएट नहीं होगा. कैसे, लिसन टू मी. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, विल टेक अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. अब यहां पे एक बंदा है राजा, बंदे का नाम क्या है बच्चों, राजा. ऐ राजा बंदे का नाम है, बंदी का नाम है रानी. 1 जनवरी 2010 को या 1 जनवरी को राजा रानी को एक लेटर भेजता है और लेटर में लिखता है, रानी विल यू बाय माय पेन फॉर ₹10. पांच तारीख को बच्चों, 1 जैन को राजा रानी को क्या लिखता है, एक लेटर लिखता है कि क्या रानी आप मेरा पेन खरीदोगे ₹10 में. ठीक, ये लेटर रानी के पास पहुंचता है कब, 10 जनवरी को लेटर रीचेस. इज दैट क्लियर? तो सबसे पहली चीज क्या हो गई, लेटर पहुंच गया किसके पास, पहुंच गया 11 जनवरी को रानी ने लेटर खोला और पढ़ा. कौन सा लिखो, तो मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, इस केस में ऑफरर कौन है और ऑफरी कौन है. राजा इज ऑफरर एंड रानी इज ऑफरी. क्लियर है? नाउ टेल मी ऑन विच डेट डज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट.
कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर किस डेट को कंप्लीट हो गया? 11 जैन को. कब? जब ऑफर नॉलेज में आया. किसके नॉलेज में आया? ऑफरी के नॉलेज में. तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? सबसे पहला द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट्स ऑन द डे when the offer comes. Into the knowledge of whom, bachcho? Into the knowledge of the offer. The communication of offer completes on the day when the offer comes into the. ये तो clear है बच्चों. Offer complete हुआ. लेकिन contract सिर्फ offer के communicate होने से बनता है क्या? Contract कब complete बनता है? When it is accepted and acceptance comes into the knowledge of offerer. Is everyone with me? अब रानी ने क्या किया बच्चों? 14 जनवरी को रानी ने क्या किया? अपन पोस्ट से कर रहे हैं लेटर. कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर है? अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट बाय पोस्ट में होगा. नाउ अब 14 जनवरी को रानी ने क्या किया? वो लेटर कहां पे डाल दिया? पोस्ट में डाल दिया. लेटर मिलकर था, यस मेरे राजा, घड़ी लेके तू मेरे घर पे बिंदा साजा. ये सुनो बच्चों. नाउ पेन था क्या? सॉरी, पेन लेके तू मेरे घड़ी मेरे घर पे बिंदास आ जा. नाउ सो इन द गिवन केस 14 जनवरी को रानी ने क्या कर दिया है? लेटर पोस्ट कर दिया है. नाउ व्हाट इज पोस्ट कर दिया है, इसका मतलब क्या हो गया? ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है. लेकिन अभी तक एक्सेप्टेंस की जानकारी किसको नहीं मिली है? राजा को नहीं मिली है. बट एक रूल ये है कि पोस्ट किया है तो मिलेगा, तो मिलेगा. अगर पोस्ट किया है तो रानी ने पोस्ट किया तो राजा को लेटर तो ये श्योर है. अगर फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता तो पोस्ट करने का मतलब क्या होता? मैंने हाँ कह दिया, मेरे मुंह से हाँ निकल गया है. मेरे मुंह से मतलब रानी के मुंह से हाँ निकल गया. कैसे निकल गया? मतलब उसने लेटर क्या कर दिया? पोस्ट कर. मतलब उसने अपना जवाब दे दिया, उसने कम्युनिकेट कर दिया है. क्या कम्युनिकेट कर दिया है? उसके एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कर दिया है. हाँ ना, इसका मतलब ये हो गया. ध्यान से, राजा को कब मिले, राजा को लेटर कब मिलेगा वो मैटर नहीं करता. ये मैटर राजा को कब मिलता है? लेटर. क्यों बच्चों? कैन आई से इस केस में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो चुका है. किसके लिए हो चुका है? नहीं, राजा के लिए. राजा के लिए मैंने आपको ऑफर दिया था ना, आपने शब्द अपने मुंह से क्या कर दिए हैं? निकाल दिए. वो मेरे पास पहुंचे नहीं, वो बात अलग है. बट आपने शब्द क्या कर दिए? अपने मुंह से निकाल दिए. सो राजा के लिए, ऑफरर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कब क्रिएट हो जाएगा? ऑफरर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कब क्रिएट हो जाएगा? जब नो व्हेन हाँ एग्जैक्टली व्हेन इट इज एक्सेप्टेड. एंड मैं कब मानूंगा जब लेटर कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट से हो रहे, तो मैं कब मानूंगा कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया है? मेरे पास आया नहीं, जब उसने क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया. वो मेरे पास कब आए नहीं आए वो मैटर. देखिए, एक्सेप्टेंस हैज टू बी कम्युनिकेटेड. अपने एक्सेप्टेंस का रूल पढ़ा है, एक्सेप्टेंस हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर और हिज एजेंट. पढ़ा है अपने रूल. सो बच्चों, कैन आई से ऑफरी ने क्या गलत किया? व्हाट डिड द ऑफरी डू? ऑफरी ने एक्सेप्टेंस क्या कर दिया है बच्चों? पोस्ट कर दिया है. ऑफरी ने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दिया ना बच्चों. सो जब ऑफरी ने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया. लेकिन दोनों के लिए नहीं बनेगा, सिर्फ किसके लिए बनेगा?
ऑफरर के लिए. सो एक पॉइंट और लिखेंगे, फॉर द ऑफरर द कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड for the offerer the contract is created when the offering post the acceptance even if the letter of acceptance is lost in transit. Even if the letter of acceptance is what beta? Is lost in the transit. Chale. Even if what beta? Even if letter of acceptance is what beta? Lost in transit. The offerer will be bound by the acceptance. The offerer will be bound by the acceptance. मतलब बच्चों offering तो अपना काम किया ना. ऑफरी ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट का क्या बोलता है? एग्जैक्टली, एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड. तो ऑफरी ने क्या गलत किया बच्चों? ऑफरी ने तो अपना कम्युनिकेशन किया, भले वो लेटर बीच में खो गया, बट स्टिल ऑफरर इज बाउंड टू सेल द पेन. ऑफरर को अपना पेन देना ही है. सॉरी, ऑफरर जो है वो अपने ऑफर को कैंसल नहीं कर सकता. कब? व्हेन द एक्सेप्टेंस हैज बीन पोस्टेड बाय होम ऑफर. ठीक है, हेंस द ऑफरर हैज द ऑफरर cannot cancel or revoke his offer. बच्चे ध्यान देखिए. So please hear बच्चे. Please ध्यान देखिए बच्चे. बहुत अच्छा कंसेप्ट है. So hence the offer cannot cancel or revoke his offer. कब बच्चों? When the offeree has posted his acceptance. यहां तक क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर? तो पहले चीज क्लियर हो गया. क्योंकि बच्चों एक और चीज, एक ही चीज याद रखिएगा, कम्युनिकेशन हैज टू बी एक्सेप्टेड. और जब उसने कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस हैज टू बी कम्युनिकेटेड. और जब उसने क्या किया है? अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कर दिया, तो ऑफरर इज बाउंड बाय इट. तो ये पहला केस हो गया. अब बच्चों इसका लेटर, अभी तो इसके पास से निकला है लेटर. किसके पास है? रानी के पास से अभी तो लेटर निकला है बच्चों. अब रानी का लेटर राजा के पास पहुंचता है 25 जनवरी को. कौन सारी को? 25 जनवरी को. मतलब 25 जनवरी को राजा को पता चलता है कि रानी ने केस क्या कर लिया है, या रानी ने ऑफर क्या कर लिया है. उसके पहले तो किसको पता ही था? उसके पहले तो राजा को पता ही था बच्चों. लेटर कब आया राजा के पास? 25 तारीख को. अब एक मिनट, अब किसको पता चल गया? क्या पता चल गया?
कि रानी ने ऑफर क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया. राजा को पता चल गया है कि रानी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया. क्या अब रानी पीछे हट सकती है क्या अपने एक्सेप्टेंस से? पक्का? मतलब रानी अगर चाहती तो कब तक हट सकती थी? जब तक उसकी एक्सेप्टेंस किसको पता ना चल जाए, राजा को. सो रानी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कब क्रिएट होगा? रानी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कब क्रिएट होगा? जब उसकी एक्सेप्टेंस किसके नॉलेज में आती है. मतलब रानी के पास एक चॉइस है. क्या चॉइस है? कि रानी अपनी एक्सेप्टेंस को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती. रानी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती. रानी उसकी एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर सकती. कब तक? जब तक उसकी एक्सेप्टेंस किसके नॉलेज में नहीं आती. राजा, इज एवरीवन विद मी? चलो ध्यान सकते हैं. नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड फॉर द ऑफरिंग. The contract is created for the offering when the acceptance by the offering comes into the knowledge of the comes into whose knowledge, bachcho? Into the knowledge of the offerer. तो बच्चों अभी एक बात बताऊं. तो बच्चों अब ऑफरी एक जादू कर सकते हैं यहां पे. क्या जादू कर सकता है ऑफरी? ने ये नॉर्मल लेटर भेजा था जो इसके पास कब पहुंच रहा है? 25 को. अब अगर ऑफरी ने लेटर भेज दिया जो भी पोस्ट में, कहां पे? 14 तारीख को लेटर भेजा, 11 दिन के बाद 25 तारीख को वहां पहुंच रहा है. अब एक लेटर क्या है बच्चों? जो उसने पोस्ट में ट्रांजिट में अभी तक, एग्जांपल है, एग्जांपल में मैंने अजम्पशन चेंज किया. मान लो अभी तक पहुंचा नहीं. क्या नहीं पहुंचा है? एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंचा नहीं है. किसके पास नहीं पहुंचा है? राजा के पास पहुंचा नहीं. और रास्ते में है बच्चों, ठीक है. रानी का मूड चेंज हो गया. रानी को अब राजा का पेन नहीं चाहिए. रानी को मोहन का पेन चाहिए. अभी तक बात किसके पास नहीं पहुंची है? राजा को अभी तक पता नहीं चला है कि रानी ने उसका ऑफर क्या किया, एक्सेप्ट किया. क्योंकि राजा के पास अभी तक रानी का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचा नहीं. रानी ने क्या किया? एक नया लेटर लिया और उसको स्पीड पोस्ट भेजा. किसे भेजा? किसके पास भेजा? और ये लेटर धाम से ऐसे पहुंच गया. कब पहुंच गया? ये पहुंच गया 20/11 को. कौन सा रिको? 20/11 को. तो क्या माना जाएगा? रानी ने ऑफर एक्सेप्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया? कर पक्का? अब जब रानी ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो राजा के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहा है, राजा के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया. वेरी नाइस. तो बच्चों एक और पॉइंट लिखेंगे. द ऑफरी मे सेंड अनदर लेटर The offering may send a letter for rejecting his acceptance. And if that letter reaches first to the offerer, and if that letter reaches first to the offerer, then it will be considered that the offer has been rejected. हाँ, लेकिन बच्चों यूके में क्या होता है? यूके में ये सब नहीं होता. यूके में
ऑफरी का जवाब क्या होता है यूके में? यूके में ऑफरी का जवाब होता है वो जो उसने पहले भेजा है. ऑफरी का जवाब, यूके में ऑफरी का जवाब क्या होता है? वो जो उसने पहले भेजा है. मतलब बाद में वो कैंसल नहीं कर सकता. हाउएवर, इन द यूके द लेटर विच इज पोस्टेड फर्स्ट is considered as what beta? As reply of the offering. Concept clear? So bachcho, is pure, chaliye, abhi to main aapke doubts lunga, but ye jo maine aapko pura cheez padhaya, samjhaya, उसके आधार पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा आपको जो एग्जाम में पक्का आता है. ठीक है, चलो ना, एक क्वेश्चन है. अ लेटर वॉज सेंट फॉर गिविंग एन ऑफर On 28th February, sorry, 28/02/2018, which reached to the offeree on 10th March 2018, comma, the offeree posted his acceptance on 12th March 2018 and the acceptance reaches to the offer on 25th March 2018. On the basis of above information, choose the correct answer. On the basis of above information, choose what beta? Choose the correct answer. Pehla, the offeree can cancel his offer up to A 11th March, B 12th March, C 8th March, D nota, none of the above. The offeree can cancel his offer up to, bolo. None of the, pakka, kyun? Kab tak cancel kar sakta hai offeree apna offer? 25th March, lekin 25th March se yahan pe option mein, very nice. Dusra, acha, but isi question mein likh dun ki offerer kab tak cancel kar sakta hai? ऑफरर कब तक कैंसिल कर सकता है अपना ऑफर? 10th मार्च, 10th मार्च भी नहीं है यहां पे,
ऑफरर अपना ऑफर कब तक कैंसिल कर सकता है? देख लो अच्छे से पढ़ो. तुम लोग यार कंफ्यूज हो रहे हो. सीधा अपना लॉजिक क्या है भाई, ऑफरर अपना ऑफर कब तक कैंसिल कर सकता है? जब तक उसने पोस्ट नहीं किया. किस डेट को उसने पोस्ट किया है? 20. ऑफरर ऑफरी ने अपना एक्सेप्टेंस किस दिन पोस्ट किया है? बस 12th मार्च. और 12th मार्च के कब तक? अगर 12th मार्च को फॉर एग्जांपल 12 बजे पोस्ट किया होगा तो 12 बजे के पहले तक, ठीक है. लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो अपन क्या मानेंगे? 12th मार्च, ठीक है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. समझा गया सबको? अरे एक चीज आपको समझ में आ रही है कि ऑफरर के लिए कॉन्ट्रैक्ट अलग डेट को क्रिएट हो रहा है, ऑफरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट अलग डेट को क्रिएट हो रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, क्योंकि दोनों के लिए एक्सेप्टेंस अलग अलग डेट को कम्युनिकेट हो रही है. ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हो रही है? जब वो एक्चुअली में कम्युनिकेट कर रहा है. लेकिन ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हो रही है? जब उसकी एक्सेप्टेंस किसके नॉलेज में आ रही है? ऑफरर के नॉलेज में आ रही है, ठीक है. चलो एक और इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के ऊपर के आधार पे. व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड फॉर द ऑफरिंग, ए 11th मार्च, बी 12th मार्च, सी 25th मार्च और डी नोटा. पक्का? सी राइट आंसर है. चलिए दैट्स इट. बॉस करना है. चलिए थैंक यू सो मच बच्चों. प्लीज अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू.